अभी आप लोग एक क्वेश्चन भेजे हुए है ना? यस सर। चलिए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीजों को चलते हैं, उनको लेके ऐसे कल की क्लासेस में हम लोग ना प्रैक्टिकल स्टेटमेंट डाल के रखे हुए हैं, ठीक है ना? कैसे प्रैक्टिकल किया गया था इन चीजों को हमने कवर करके रखा हुआ है, ठीक है ना? देखो अभी अपने पास जो क्वेश्चन है उसकी थ्योरेटिकल सेक्शंस को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना? क्या क्या सेटिंग्स कर दी है, क्योंकि टॉपिक जो है ना अपनी वो है गोडाउन, और इसको ना हम लोग लोकेशन वर्ड से भी इंडिकेट करते हैं। किसी किसी वर्जन में ना आपको लोकेशन शो करेगा, तो हमने को टेंशन नहीं लेना है, गोडाउन लोकेशन सब दोनों एक ही चीज है ना? अब देखो गोडाउन के बारे में एक वर्ड आप समझ लो कि गोडाउन क्या इंडिकेट करता है आपका। अगर आपके पास शॉप है, टैली के अंदर ना शॉप को मेन लोकेशन पे कवर किया जाता है, समझ गया ना? टैली के अंदर शॉप को मेन लोकेशन पे कवर किया जाता है, ठीक है? तो इन चीजों का ना प्रॉपरली कवर किया जाता है मेन लोकेशन के अंदर, ठीक है? अभी देखो मैटर्स क्या है ना, ये पहले से बनी होती है, ये गोडाउन पहले से बनी होती है। एक्चुअली गोडाउन का नाम होता है मेन लोकेशन जो बनी होती है, आप इसका नाम चेंज करके शॉप कर दो, अपने को ये काम करना होगा। अब देखो गोडाउन ये इंडिकेट करता है आपके पास कि ना अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, एक अपने पास ना शॉप है 10x10 का, तो उसके अंदर हम लोग कितना सामान बेच पाएंगे, कुछ लिमिटेड आइटम, ठीक है ना? अगर मेरी 10x10 की मतलब शॉप है स्क्वायर फीट की, 100 स्क्वायर फीट की, तो उसमें हम लोग कितना स्टॉक रख पाएंगे, कुछ लिमिटेड स्टॉक। ये दुकान है मेरा कोई मार्केट एरिया में, तो बिजनेसमैन क्या दिमाग लगाते हैं कि मार्केट एरिया की जो बिजनेसेस होती है ना वो लोग क्या करते हैं ना कि मार्केट एरिया में कस्टमर्स आ रहे हैं उनके पास, ऑर्डर्स आ रहे हैं आपके उनके पास, तो मल्टीपल आइटम को इतने छोटे से जगह पे नहीं रख पा रहे, इसका रेंट भी ज्यादा होता है, समझ गया ना? तो वो क्या करता है ना मल्टीपल गोडाउन ऐड कर लेता है, जैसे कुछ गोडाउन अलग अलग जगह पे रेंट पे ले लेता है कि हम कुछ आइटम अपनी दुकान पे रखेंगे और ज्यादा माल का ऑर्डर आएगा तो दूसरे गोडाउन से उठा लेंगे, ठीक है ना? अच्छा वो लोग क्या करता है ना कुछ गोडाउन वगैरह ले लेता है, गोडाउन का नाम भी आप रख सकते हो। सपोज हमने गोडाउन का नाम रखा गोडाउन ए, गोडाउन बी। अब आपकी ये गोडाउन, ठीक है ना, सब अंडर आपसे टैली के अंदर पूछेगा, तो अंडर में आपको यूज करना है सबका प्राइमरी, ठीक है ना? अच्छा अब मैटर क्या है ना, इस गोडाउन के आप एड्रेस भी डिफाइन कर सकते हो, ये गोडाउन कहाँ पे है आप इसकी एड्रेस भी डिफाइन कर सकते हो, तो ये गोडाउन मेरा पर्टिकुलर एरिया में है, भट्टा बाजार में है या शिव मंदिर चौक पे है, ऐसे करके हम सारी चीजों को प्रॉपरली कवर कर सकते हैं। तो एक्चुअली में गोडाउन कुछ इस लॉजिक पे काम करता है, ठीक है ना? तो अपने को करना क्या है कि बिजनेस जिस भी चीज का कर रहे हो अपने को पूरी की पूरी स्टेप्स को फॉलो करनी है इस वाले एंट्रीज के अकॉर्डिंग, जो एंट्रीज मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? जो एंट्रीज है अपने पास, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अपने पास ना कि मिस्टर सावरकर स्टार्टेड बिजनेस ऑफ गारमेंट्स विद कैश ऑफ रुपीज 10 लाख एंड फर्नीचर ऑफ रुपीज 50,000, है ना? मतलब ना वो 10 लाख रुपए कैश से बिजनेस स्टार्ट किया और 50,000 रुपए फर्नीचर से थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया अपनी दुकान को फर्निशिंग वगैरह करने के लिए। एक्चुअल में अपने को इस तरह के काम को कवर करना है। स्टेप वन में तो पहले आप कंपनीज को प्रॉपरली क्रिएट कर दो, कंपनी को क्रिएट कर दो। अब देखो कंपनी क्रिएट करोगे तो कंपनी के नेम में आप डाल देना, जैसे अपने केसेस में सावरमल्स एंड कंपनी, मैंने डाला सावरमल्स एंड कंपनी, ये कंपनी का नाम हो गया, ठीक है ना? फिलहाल अभी हम लोग जीएसटी को यूज नहीं करेंगे, इसमें कुछ जगह पे जीएसटी ऐड हो गया है, बट फिलहाल जीएसटी को ऐड नहीं करेंगे, विदाउट जीएसटी में बता रहा हूँ, फिर भी जीएसटी बताऊंगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सावरमल एंड कंपनी को यूज करेंगे प्रॉपरली, और जो भी है आप इसमें इसकी जो भी एड्रेस है डिटेल्स है ये सारी चीजों को प्रॉपरली आप फिल आउट कर, एंड जहां पे आपसे जीएसटी पूछेगा ना जीएसटी को नो कर देना है, जीएसटी वाले सेक्शंस को आपको नो करके कंपनी को बना लेना है, तो मीन आपका ये वर्क होगा। जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे स्टेप्स पे चलते हैं कैसे काम होगा।
not telling him which step to. तो देखिए अपनी स्टेप वन अपनी कंप्लीट हो गई, ठीक है ना. चलिए स्टेप टू को फोकस करते हैं. ये गोडाउन्स है, याद रखिएगा. आप देखो जैसे जैसे दिया गया है ना आपके क्वेश्चन में, वैसे एकदम बनाने की कोशिश करते हैं चीजों को, ठीक है ना. ओके तो पहले ना स्टेप टू को कवर करते हैं और मैं डायरेक्टली एंट्रीज बताऊंगा आपको एकदम डायरेक्ट काम करने के लिए, है ना. डायरेक्ट मतलब हम लोग जो यूज करने वाले हैं यहाँ पे किस ट्रिक की मदद से, ऑल्ट प्लस सी की मदद से, ऑल्ट प्लस सी की मदद से इस वाले ट्रिक को यूज करेंगे टैली में फास्ट एंट्रीज को कवर करने के लिए. तो चलो स्टेप टू अपनी है, कंपनी बन चुकी है, एंट्रीज पे आते हैं. कहां पे आते हैं? एंट्रीज पे आते हैं. तो क्वेश्चन पढ़ो फर्स्ट, क्या क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है आपके पास कि मिस्टर सामरवाल जो है ना स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस ऑफ गारमेंट्स. तो बिजनेस को शुरू करते हैं प्रॉपरली, है ना. तो बिजनेस को शुरू करने के बाद इसकी एंट्रीज कर दी है, मेनली अपनी को एंट्रीज कर दी है. एंट्रीज कहां पे जाएंगे करने के लिए? वॉचर्स में. तो आपके सामने ना खुलता है गेटवे ऑफ टैली, आपको दिखेगा गेटवे ऑफ टैली. उस टैली की गेट पे आ जाओ एंड यहां पे चूज करो वॉचर्स एंड एंटर मारो इस वॉचर के अंदर, ठीक है ना. वॉचर में बैठकर करोगे ना तो अपने पास काफी सारे वॉचर्स शो करेंगे. स्टार्टेड बिजनेस की एंट्री कहां करते हैं जल्दी बताइए? रिसिप्ट में. रिसिप्ट में, रिसिप्ट की शॉर्टकट F6. F6 बटन प्रेस करेंगे तो खुलेगा रिसिप्ट वॉचर. मतलब कैपिटल ट्रांजेक्शन हम लोग रिसिप्ट वॉचर के अंदर एड करते हैं, ठीक है ना. अच्छा यहाँ पे रिसिप्ट खुला, ऊपर में डेबिट होता है या क्रेडिट होता है रिसिप्ट के अंदर? क्रेडिट होता है. बिल्कुल आप देखिए देखोगे इसमें क्रेडिट ऊपर होगा नीचे डेबिट होगा. तो सबसे पहले क्रेडिट में आपका क्या आ जाएगा? कैपिटल अकाउंट. क्या आ जाएगा? कैपिटल अकाउंट. आप कैपिटल का नाम एक लेजर बना लो, सावरवंश कैपिटल, ठीक है ना. अब मैटर क्या है, ये दिखेगा नहीं. तो आपको जब ये नहीं दिखे तो क्या करना है? ऑल्ट के साथ सी बटन प्रेस करना है और वहां पे ऐड कर देना है सावरवंश कैपिटल अंडर में कैपिटल अकाउंट. क्लियर है? ओके अभी वो ये टोटल कितना पैसे से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है? 10 लाख रुपए है कैश एंड 50,000 रुपए फर्नीचर. मतलब 10 लाख 50,000 रुपया. क्लियर है? एंड ऑफ करो, एंड पर जैसे करोगे तो नीचे आपको दिखेगा डेबिट और डेबिट में आपको क्या चूज करना है? कैश. क्या चूज करना है? कैश का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैश ऑलरेडी बना हुआ है. तो आपका बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रही है? 10 लाख रुपया, है ना. अब जैसे 10 लाख डाल के एंटर मारोगे ना फिर से ऑटोमेटिक डेबिट ले लेगा. रीजंस क्या है ना, ये देख रहा है यहाँ तो 10,50,000 डाल के रखे हो, है ना. लेकिन यहाँ आप क्या डाल रहे हो? 10 लाख डाल रहे हो. जैसे डेबिट करके एंटर, ये बोलेगा भाई कुछ पैसा तो पक्का कहीं पे घट रहा है आपका, क्योंकि जब तक डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं होगा तब तक ये एंट्री इसको कंप्लीट होने नहीं देगा. तो कुछ पैसा घट रहा है. तो अपने को यहाँ पे कहाँ पे घट रहा है पैसा? फर्नीचर पे. अपने को यहाँ पे वर्ड चाहिए फर्नीचर, लेकिन क्या लगता है मिल जाएगा आपको फर्नीचर वर्ड? नहीं मिलेगा. ऑल्ट के साथ सी बटन प्रेस करो और फर्नीचर बना दो अंडर में फिक्स्ड एसेट्स, अंडर में फिक्स्ड एसेट्स, है ना. तो बस डालिएगा जैसे पहले ऑल्ट सी करके फर्नीचर बना लीजिएगा, लेजर बनेगा फर्नीचर अकाउंट अंडर में फिक्स्ड एसेट्स. फिर यहाँ पे जैसे आप एफ डालोगे ना देखोगे फर्नीचर ऑटोमेटिक उठा देगा फर्नीचर अकाउंट और ऑटोमेटिक जो घटा हुआ अमाउंट है ना वो यहाँ पर क्लियरली शो करेगा. नाउ लास्टली एक्सेप्ट आपको यस करा देना है. इस प्रोसीजर से इस पहली वाली एंट्रीज अपनी कवर होगी स्टेप टू के अंदर. पहली वाली एंट्री, ये फर्स्ट एंट्री, समझ गए ना. यस सर. चलिए अगला है सेकंड एंट्रीज को फोकस करते हैं. इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं, इसको प्रैक्टिकल सेशन में आपको कवर करना है, ठीक है ना. तो काम करते हैं अगली एंट्रीज पे, समझ गए ना. अगला क्वेश्चन है कि अपने को ना गोडाउन की पूरी एंट्रीज को कवर करने, मतलब गोडाउन ऐड करना है ना. चलो इसको मिटाते हैं और आते हैं स्टेप थ्री, ठीक है ना. स्टेप थ्री चलेगा और अपने को ना यहां से स्टेप थ्री में तीसरा स्टेप था, ठीक है ना. यहां से अपने को गेटवे ऑफ टैली से ना चूज करना होगा क्रिएट के अंदर, या तो गोडाउन वर्ड दिखेगा या तो लोकेशन वर्ड दिखेगा. तो टेंशन नहीं लेना, दोनों सेम है. चूज करते हैं गोडाउन,
गोडाउन पे जैसे एंटर मारोगे ना, एक स्क्रीन आपको शो करेगा क्रिएट न्यू, ऐसा कुछ एक पॉपअप जनरेट होगा, समझ गए? इसमें देखिएगा एक क्रिएट न्यू का ऑप्शन होगा, आप नई गोडाउन बनाना चाहते हो, और एक होगा ऑल्टर एग्जिस्टिंग, ऐसे समथिंग कुछ हो जाता है, ऑल्टर एग्जिस्टिंग चुकी ना। और यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन लिखा हुआ होगा कि ना जिसमें पहले से एक मेन गोडाउन मेन लोकेशन ऐड है। तो रीजंस क्या है ना कि आपके पास जो पहले से टैली बना के दे रही है मेन लोकेशन, कौन सी वाली मेन लोकेशन, क्या इस गोडाउन का नाम आप यही रखना चाहते हो जो पहले से टैली बना के दिया होगा? नहीं ना, तो अपने ऑल्टर करना। ऑल्टर का मतलब क्या होता है? चेंज करना। ऑल्टर का मतलब चेंज करना, उसमें मॉडिफिकेशन लाना। तो पहले हमने इसको चेंज कर दिया, ठीक है ना? तो आप जैसे ऑल्टर पे क्लिक करोगे ना, ये दबाओगे, ये इसकी शॉर्टकट होगी, या इस पे आप एंटर करोगे, तो क्या होगा ना, ये तुरंत पहुंच जाएगा गोडाउन में, इन कर जाएगा यहाँ पे, ऐसे गोडाउन क्रिएशन के अंदर, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी अपने पास क्या है, एक मेन लोकेशन बनी हुई है। तो दो ऑप्शन शो करेगा, नेम एंड अंडर। अब जैसे एक बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरे सिस्टम के अंदर का एड्रेस शो नहीं कर रहा है ना, तो आप ना देखोगे साइड में फीचर्स वगैरह खुला हुआ रहता है, समझ गया ना? F12 से बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन F11 और F12 से कवर अप किया जाता है, ठीक है ना? तो इन चीजों को ध्यान रखिए, आप यहाँ पे F11 F12 से ना काफी सारे फीचर्स को ऑन ऑफ कर सकते हो, समझ गए ना? जैसे आप चेक करोगे ना इस वाले स्क्रीन पे, एक ऑप्शन होगा एड एड्रेस का, गुडाउन का एड्रेस ऐड करना चाहते हो, जब गुडाउन का एड्रेस ऐड कर दोगे ना, तो देखोगे एड्रेस वाली कॉलम खुल जाएगी। अभी देखो फिलहाल हम कौन सा ऑल्टर एग्जिस्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे शो करेगा मेन लोकेशन, क्या शो करेगा? मेन लोकेशन, यहाँ पे रहता है प्राइमरी, और अपने को क्या करना है, मेन लोकेशन को डिलीट करना है, बैक स्पेस से या डिलीट बटन दबा के डिलीट करो। तो हम लोग इसको जब डिलीट किए, सिंपली बैक स्पेस से या डिलीट बटन दबा के, देन यहाँ पे अपना शॉप ऐड कर दो, शॉप, मेरा शॉप। तो आपका शॉप कहाँ पे, जैसे अगर क्वेश्चन के हिसाब से चले तो शॉप अपना शायद बड़ा बाजार में है ना, तो हम लोग यहाँ पे एंट्रीज कर दिए बड़ा बाजार, जो भी एड्रेस है प्रॉपर वो भर दो, एंड लास्टली एक्सेप्ट Yes। तो आप देखोगे ना ये मेन लोकेशन किसमें कन्वर्ट हो गया, शॉप में, जिसकी एड्रेस क्या हो गई, बड़ा वाला, क्लियर? ओके। उसके बाद फिर से ये स्क्रीन आपको शो करेगा, अब मुझे नया दो गोडाउन ऐड करना है, तो न्यू जब दो गोडाउन ऐड करना है ना, इसकी मदद से ऐड करेंगे, क्रिएट की मदद से, सी बटन प्रेस करोगे ना, इससे भी आपको ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना? तो आप यहाँ पे सेम प्रोसेस में बॉक्स खोलेगा गोडाउन वाला इसके अंदर भी, और वैसे ही आप ना यहाँ इस वाले केसेस में क्या था कि मेन लोकेशन दिख रहा था, है ना, पहले से भरा हुआ था ये ऑप्शन, लेकिन इस वाले केसेस में होगा कि मेन लोकेशन कुछ नहीं दिखेगा, इसमें ब्लैंक रहेगा, नेम अंडर एन एड्रेस। तो आपके केसेस में दो गोडाउन है आपके पास, याद रखिएगा, एक है आपके पास गोडाउन मेल, एक बना लीजिएगा, एक आपके पास एक एक करके बनेगा, पहले ये बना के एक्सेप्ट यस करा लीजिएगा, फिर दूसरा बना के, दूसरा है गोडाउन बी, अंडर दोनों का एक ही होगा प्राइमरी, और आई थिंक एड्रेस अलग अलग है ना, एड्रेस अलग अलग आपको यूज कर देना, इस तरह से ना गोडाउन को पहले दूसरा क्वेश्चन के हिसाब से आपको गोडाउन को एड कर लेना है, बस जब ये बन जाए तो फिर से पीछे लौट आओ, कहां पे आ जाओ, गेटर ऑफ टैली, जल्दी से इस वाले को नोट करो, ठीक है ना? हो गया ना, ठीक है, स्टेप थ्री हो गया। अब फिर से अपने को ना वॉचर्स बनाना है, फिर से अपने को लौटना है वॉचर के ऊपर, और बहुत ही इजी से स्टेप्स है, काम करना है। देखो अगला क्वेश्चन करो और उसकी एंट्रीज देखो, फिर से अपने को आ जाना है वॉचर एंट्री के अंदर, है ना? फिर से वॉचर एंट्री में आ जाओ गेटवे ऑफ टैली से, और जिसमें अपने को ना वर्क किया है ना कि हम लोग सामान को क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो कौन से वाउचर में होगा,
का बोलेगा परचेज वॉचर, इसमें ऊपर भी शो करता है पार्टीज नेम, पार्टीज नेम शो करेगा, उसके बाद परचेज लेगा। अपने पास पार्टी कौन है? कोई पार्टी नहीं शो कर रहा। जब कोई पार्टी ना शो करे तो कैश में सामान परचेज हो रहा है, तो कैश अकाउंट यूज कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और पार्टी और परचेज अकाउंट के बिना आपको एक परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा, समझ गया ना, परचेज लेजर सॉरी शो करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ऑल्ट सी बटन प्रेस करना है और परचेज लेजर बना लेना है। आपको नाम रखना है परचेज अकाउंट, अंडर में परचेज अकाउंट बस। उसके बाद आपसे पूछेगा नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, वेट, अमाउंट। अब देखो केसेस क्या है, वही लॉजिक अप्लाई करेंगे। ऑल्ट सी, ऑल्ट सी जैसे ऐड करेंगे ना, आपको स्टॉक आइटम में इंट कर जाएगा। जैसे हम लोग सामान परचेज क्या कर रहे हैं, कुर्ता परचेज कर रहे हैं, देखो ऑर्डर डिस्काउंट ऑप्शन ऐड है, समझ गया ना। एक सेटिंग्स आपको करनी पड़ेगी, याद रखिएगा इस दौरान आपको एक सेटिंग्स करनी पड़ेगी, वो सेटिंग्स में बताता हूँ। जब परचेज और ऑप्शन खुल जाएगा, आपको प्रेस करना है यहाँ पे F11, कौन सा बटन, F11, और उस बॉक्स में आप ढूंढिएगा एक चीज, क्या ढूंढना है आपको खुद से दिमाग लगाइएगा, यूज सेपरेट कॉलम, सेपरेट कॉलम फॉर डिस्काउंट। ऐसा समझिए कुछ ऑप्शन आपको शो करेगा कि आपको एक सेपरेट कॉलम क्या इसमें ऐड करना है डिस्काउंट का, तो अपने को क्या करना है, वो नो रखता है, आपको क्या करना है उस ऑप्शन को यस कर देना है, बस नाम हो जाएगा। ये जैसे सेटिंग्स ऑन करोगे ना, यस करके एक्सेप्ट यस करा दो, आप देखोगे एक कॉलम ऐड हो जाएगा रेट के बाद, ऐसे करके डिस्काउंट्स का, समझ गया ना, फिर आएगा अमाउंट, समझे बात को। बहुत ही आसान से ट्रिक है, इस लॉजिक से आपको अप्लाई करना है, सेटिंग करनी है। उसके बाद अब हम लोग क्या क्या परचेज कर रहे हैं, ऑल्ट सी से कुर्ता बना लो, फिर ऑल्ट सी से उसको अंडर क्लोथिंग में डाल दो, फिर ऑल्ट सी से उसको मापोगे कैसे, पीस में मापोगे, नॉस में मापोगे, वो तीन चीज बनाने के बाद आपको प्रॉपर वर्क करना है। यहाँ पे कुर्ता बना लेंगे हम लोग। अब जैसे यहाँ पे कुर्ता बनाओगे ना, देखोगे यहीं से ना, सॉरी यहीं से जैसे ये बन जाएगा तो ये पूछेगा यहीं से किस गोडाउन में आपको इसको रखना है, समझ गया ना, यहीं पे आपसे पूछ लेगा किस गोडाउन में आप कुर्ता रखना चाहते हैं। तो देखिए टोटल 520 कुर्ता खंड रहे हैं, जिसमें से हम लोग देखो सबसे नीचे 400 कुर्ता रखना है ब्लॉक बी में, मतलब गोडाउन बी में, और रेस्ट कुर्ता को रख रहे हैं शॉप में, 120 कुर्ता को रख रहे हैं हम लोग शॉप में, ठीक है ना। आप इसी तरह से ना गोडाउन के लॉजिक का पूरा एंट्री मार लीजिएगा इसी के अंदर से, सब एक एक करके, ठीक है ना। बस यहीं पे थोड़ी सी दिमाग लगाना है, जो जो चीजें जैसे जैसे पूछ रहा है वैसे वैसे डालो, अपने को ना गोडाउन पूछेगा, गोडाउन बी कितनी क्वांटिटी में कूदता है, 400 पीसेस में कूदता है, ठीक है ना। रेट अपने को कितना लग रहा है, 950 रुपया आई थिंक पीस लग रहा है, कितना परसेंट का डिस्काउंट है, 5% का डिस्काउंट, जैसे 5% मारो तो ये डिस्काउंट देगा, तो ये गोडाउन बी में, और 120 कुर्ता कहाँ पे रख रहे हैं वो शॉप में, 100 पीस ऑटोमेटिक ये 950 5% डिस्काउंट देगा। इसी लॉजिक पे आपको एंट्रीज करनी है कुर्ता के बाद रोल्स की, उसी तरह से एंट्रीज करनी है और क्या अपने पास शटिंग एंड शूटिंग की एंट्रीज है ना, शटिंग शूट वगैरह, उन सब चीजों की एंट्री सेम तरीके से आपको प्रॉपर मैनेज करनी है और लास्ट में एक्सेप्ट यस का लेना है, समझ गया ना। इस तरीके से ना इन चीजों को प्रॉपरली मैनेज किया जाएगा, याद रखिएगा यही लॉजिक है, इस पे काम करने का, ठीक है, नोट कर लीजिए। और इसको एज ए प्रैक्टिकल हम आपको बता देते हैं, जब आप कोई एंट्री कर दोगे ना, ये सब चीजें दिखेंगी कहां, तो आपको गोडाउन की डिटेल्स चेक करनी है ना, आपको ना गेटवे ऑफ टैली में आना है, गेटवे ऑफ टैली, और यहां से ना डिस्प्ले मोर रिपोर्ट समथिंग शो करेगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, उसके अंदर ना आपको गोडाउन वाले सेक्शन को चेक करना है,
समझ गया ना, एक आता है आपका ना स्टॉक क्वेरी, ये स्टॉक से रिलेटेड आपको ऑप्शन होगा स्टॉक समरी, स्टॉक समरी। इसे स्टॉक समरी के अंदर आपको गोडाउन का ऑप्शन शो करेगा, यहां से आप गोडाउन का पूरा डिटेल्स चेक करते हो, कर सकते हो किस गोडाउन में कौन सा माल पड़ा होगा। समझ गया ना, सेल करने के लिए सेल प्रोसेस चलेगा, कैश में सेल्स अकाउंट आपसे पूछेगा कोई आया कुर्ता खरीदने के लिए, सपोज मैटर कोई आया कुर्ता खरीदने के लिए, तो 400 पीस कुर्ता गोडाउन बी में है, 100 पीस कुर्ता शॉप में है, वो पूछेगा जैसे आप नेमो फाइटर में कुर्ता डालोगे ना, फटाक से पूछेगा वो कौन से गोडाउन से आप उठा के माल बेच रहे हो, तो अभी मेरे पास दुकान में है ही उतना ऑर्डर ज्यादा है नहीं, तो शॉप में से एक पीस जैसे बेचेंगे ना, फिर आप गोडाउन चेक करोगे तो इनाम में पीस देगा इसका। तो लॉजिक भी बहुत सिंपल है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का तरीका भी वही है, सब कुछ ऑप्शन है, ठीक है ना। इसके प्रैक्टिकल सेशन का वीडियो होगा तो हम रख देंगे, ठीक है ना, जैसे ग्रुप में डाल देंगे उन चीजों को, तो आप लोग यही सेम क्वेश्चन का मैंने प्रैक्टिकल कवर करके रखा होगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए और आज के लिए इतना हम लोग क्लासेस को रहने देते हैं, ठीक है ना, चलो।